शहीदों की अजमत के लिए यही काफी है दलील कि 87 साल का बूढ़ा बोलता है तो जुलेखा की जवानी याद आती है। और मुझे बताइए, अल्फाज रूई नहीं होते जिनको धुना जाता है, अल्फाज इल्म के पेट से पैदा होते हैं और इल्म की सनद अली से मिलती है। जब तक मुखलिसाना तल्लुक माला अली से कायम नहीं होता, न रूहानियत मिल सकती है न इल्म मिल सकता है। मैं धीमे लहजे में कहने लगा हूं, एक सवाल मेरी तरफ से लेके जाए, सैयद से जो भी उलझा है मुझे ये बताएं कि उलझने वाला गिर गया है और सैयद का झंडा कोई सर लगू नहीं कर सका है। पीर अब्दुल कादर शाह ही की तारीख देख लें, काग गिरा देंगे मार देंगे। अमर बिन वद ने भी कहा था कि मैं तुम पर रहम खाता हूं अली, वापस चले जाओ। तो अबू तालिब का बेटा है, अली ने कहा कि फुर्सत खत्म होती जा रही है, जो हमला कर रहा है कर ले। अल्लाह ने ये खून पैदा ही इसलिए किया है कि वो मोहम्मद की इस्मत की चौकी करे। अली जरा एक बात मैं जरूर कहूं, सैयद धीमे लहजे में दोस्ती करते हैं लेकिन दुश्मन से इंतकाम हैदरी अंदाज में करते हैं। सैयदों के बारे में आले रसूल के मामले में धोखा नहीं खाना चाहिए। दूसरी चीज आजादी, इकबाल कहते हैं आजादी। और तीसरी चीज है आजादी के बाद लंगर, खाने पीने की जरूरत। मैं आपको बताऊं, सादात के दुश्मन की कभी कब्र आबाद नहीं हो सकी और उसके टब्बर ने कभी इज्जत नहीं पाई, और जो अली की मोहब्बत करने वाला है कयामत तक उसकी कब्र पर फूल चढ़ते ही रहे हैं और चढ़ते ही रहेंगे। इनकी कब्रों से भी आवाज आएगी, कब्र दाता पे जाके देखो, मरकदों में भी जाना।